कई सालों से चली आ रही रिवायत को जारी रखते हुए आज राजौरी शहर के ठुड्डी जवाहर नगर इलाका में एक बैलों की दौड़ व इसके अलावा किसान मेले को मुनक्किद किया गया। मकामी लोगों की तरफ से इंजीनियर मुंशी खान की क्यादत में इस तकरीब का इनाकाद हुआ, जिसमें जिला भर से आए किसानों ने शमूलियत की। इस तकरीब के दौरान एक तरफ जहां किसान मेले का इनाकाद हुआ तो वहीं दूसरी ओर बैलों की दौड़ को मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर से आए किसानों ने अपने बैलों के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौड़ में तयशुदा सफर को सबसे कम वक्त में बिना गिरे पार करने वाले किसानों को इनाम से नवाजा गया और इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले लोगों ने बताया कि ये उनके इस इलाके की सालों पुरानी परंपरा है और हर साल इस किसान मेले का इनाकाद किया जाता है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान आज भी खेती बाड़ी पर दारोमदार रखने वाला एक मुल्क है और यहाँ किसान सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाता है और किसान को व खेती बाड़ी को बढ़ावा दिए जाने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनाकाद हर साल किया जाता है और आज हुए इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि राजौरी व पुंछ अजला में कई जगहों पर इस तरह की बैलों की दौड़ मुनक्किद की जाती है और राजौरी के ठुड्डी इलाका में इंजीनियर मुंशी खान की क्यादत में मुनक्किद होने वाली इस दौड़ व किसान मेले का राजौरी व पुंछ अजला में अपना एक नाम है और हर साल बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर इस तकरीब को गौर से देखते हैं। बहुत बढ़िया बाल जाते हुए और उसी प्रकार से पीछे लोग गिरते हुए मोहम्मद साबित पीढ़ी गड्डी चल गई, गड्डी फिर दोबारा चल गई मोहम्मद साबित पीढ़ी। इसके बाद जो आ रहे हैं वो तुफैल पटियारा, अक्षर मिर्जा आ रहे जुमोला, अक्षर मिर्जा आ रहे जुमोला, गड्डी रुक के चल गई, अक्षर मिर्जा आ रहे जुमोला। बल्ले बल्ले नाम लगे भाई बल्ले बल्ले ओह गड्डी चल नहीं गई, गड्डी रुक गई, डिस्क्वालीफाई। हम जो है वो काफी करते रहते हैं, हम दुआ करते हैं कि इसी प्रकार से हर साल जो ये मेले का आयोजन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद प्रवेश साहब आपका। पूरे जो लोग हैं नेक्स्ट अक्षर मिर्जा जमोला के ये जो बैल आपके सामने जा रहे हैं इनका टाइम नोट किया जाएगा। अपने शौक पूरा करें साथ साथ हमारे जो खेती बाड़ी करने का तरीका है उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि यदि आज की बात करें तो इंटरनेट का जमाना आ चुका है, काफी लोग जो है बैलों से दूर चले जा रहे हैं और हमारे पुराने बुजुर्ग जो है वो इस किस्म के प्रोग्राम जो करते रहते थे। अभी जो बैल पार खड़े हैं इनसे अनुरोध किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी ग्राउंड में आए, ध्यान रखते हुए अपना
किसान मेला करते हैं और साथ साथ हमारे किसान भाई जो ये जो किसान मेला है इसमें किसान हैं जो अपने जो जिन्होंने बैल जो हैं पाले होते हैं अच्छे शौक से पाले होते हैं वो आज ला के यहाँ पे बुल रेस करवाते हैं। ये क्योंकि बुल रेस जो है हमारे पुराने जो है हमारे वाल साहब उससे भी पुरानी जो है परंपरा ये ट्रेडिशन जो है चल रहा है। ये है कि एक इसका मकसद ये है कि जो जमींदार है वो अपनी ज़मीन के साथ जुड़ा रहे और इसमें से भरपूर अनाज कमाएं और जो आजकल ज़मींदार जो हैं अपनी ज़मीन से थोड़ा सा जो है कम दिलचस्पी यही है उसका जो है मैसेज और अपील है हमारे किसान भाइयों को अपनी ज़मीन के साथ जुड़ें और अपना अनाज कमाएं अपने घर के लिए देश के लिए तरक्की के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये है कि अपनी जो है किसान अपनी जो है इनकम डबल करें। हमारा यही मैसेज है कि जो जो आप बंजर सिंह मुंशी खान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये मेला ऑर्गेनाइज किया मेला ऑर्गेनाइज किया और लोगों के दिलों में जज्बा पैदा किया गया है। इससे लोगों के दिलों में एक जज्बा पैदा होता है लोगों के दिलों में शौक पैदा होता है वो जमीनों को दोबारा से लोग उगाएंगे आबाद करेंगे और फिर बैल गोड़ों लोगों ने बैलों का सिस्टम छोड़ दिया है ट्रैक्टर वगैरह चला के इसलिए किशोर कुमार के लोरी गोरिया आरो कुमार के जो शकील गोरिया असलम आरो जुमोला तैयार रहेंगे मोहम्मद आजम आरो जुमोला मोहम्मद मुखिया मिश्री मोहम्मद तुफैल आरो पीरी आरो गुरकन बाला मोहम्मद अब्दुल गफूर आरो प्रयास आरो ग्रो मोहम्मद असलम आरो मर्दा क्या बात है जना टोटोई सरदार मोहम्मद रशीद आरो आरो खिलाड़ी मोहम्मद जुबैर तो उनके साथ में मोहम्मद मुजफ्फर खान आरोप तो मोहम्मद सादिक और उसके साथ ये जो है आए हैं हमारे मुफीज खान साहब जो है कप्पा खान से आज कप्पा खान अभी का बड़ा इसमें आगे आते हैं तो लोग उनके साथ खुशी खुशी इस तरह के प्रोग्राम्स को सेलिब्रेट करते हैं। रजौरी के बिल्कुल बीचों बीच में रहकर अपनी खेती बाड़ी को अपने पुराने रवायतों के साथ करना या करवाना और लोगों को मौका बख्शना और तमाम लोगों के यहाँ पे उनके बैठने का बैठाने का बंदोबस्त करना ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ हिम्मत वाली बात है।